हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग पता है कि हमने अपने चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग का नया कोर्स शुरू किया हुआ है और आज हम लोग यहां पर जानने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आखिर क्या फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आज हम लोग यहां पर डिटेल में जानेंगे। जो लोग भी चैनल पर नया है उनको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग का फुल कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारा नया बैच है बिल्कुल, और आज हमारी सेकंड या थर्ड क्लास ही है। वैसे आज हमारी क्या है, थर्ड क्लास है, जिसमें आज हम लोग यहां पर आखिर फर्क जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आखिर क्या फर्क होता है। सब कुछ जानेंगे, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, इसलिए आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे सारी अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। ओके, इसके अलावा क्या है कि अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए प्रीवियस क्लासेस की वीडियो, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि हम लोग इस क्रैश कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, फ्री नोट्स के साथ यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी दो ही क्लासेस आप लोगों की कंप्लीट हुई है, तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस की वीडियो जरूर देख लीजिए, और साथ ही साथ हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, उस ग्रुप को आप लोग यहां पर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं आप लोग नोट्स और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सब कुछ पूरी जानकारी आपको देता रहूंगा। अभी हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, कुछ डिजिटल मार्केटिंग को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझ रहे हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे करके क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पर भी आने वाले हैं। ओके, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ओके, आज हम लोग जानेंगे क्या फर्क है डिजिटल मार्केटिंग में, और आजकल सभी लोग क्यों इसी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, और आजकल इतना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग में कितना ज्यादा क्रेज क्यों हो गया है कि सभी लोग, हमारा जो जितने भी बिजनेस वाले हैं, वो सब स्विच क्यों कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं डिजिटल और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम यहां पर बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या आता है हमारा, जैसे मान के चलिए हमारे शहर में कोई नया मॉल स्टार्ट हुआ या कोई भी नई शॉप या कोई कोचिंग स्टार्ट हुई, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी बड़े बड़े बैनर लगवाने लगते हैं, फ्लैक्स लगवाने लगते हैं, पंपलेट बटवाने लगते हैं, तो ये हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाती है। और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, जैसे कि हमने आपको बताया मार्केटिंग, तो ये भी एक मार्केटिंग ही है, लेकिन किस तरह से, इंटरनेट के द्वारा मार्केटिंग करना, इंटरनेट के द्वारा मार्केटिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के द्वारा मार्केटिंग करना, ये सब क्या होते हैं, हमारे डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। तो आज हम लोग यहाँ डिटेल में जानेंगे और सारे डाउट्स आप लोग यहाँ पर मैं खत्म कर दूंगा। ओके, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं आज की क्लास की तरह। तो आज का हम लोग देख लेते हैं, आज जो हम लोग जानने वाले हैं डिफरेंस डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, सब आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ओके, बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से आप लोग चेक कर सकते हैं, हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार की हुई है। चलिए देर ना करते हुए, तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला आता है डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका जो पहला पॉइंट होता है वो कहता है इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें बता रहे हैं ये क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जितना खर्च आता है, डिजिटल मार्केटिंग में हमारा खर्च कम आता है। क्यों आता है, अभी हम इसको डिटेल में जानेंगे। क्योंकि क्या होता है, यहां पर आपको जो इंटरनेट की अगर हम बात करें, अगर पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कॉस्ट की बात करें, तो अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको क्या लगवाने हैं, पूरे शहर में बैनर लगवाने हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स लगवाने हैं, पंपलेट बटवाने हैं, तो आपको बहुत सारा खर्च आ जाएगा यहां पर। वही यहाँ पे क्या लिखा, इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, यहाँ हमें कुछ भी करवाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो हमारे पास क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स होते हैं, हमें जिस कोर्स में, इस कोर्स में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम अपनी एड करेंगे, कैसे हम अपने आप को ब्रांड बनाएंगे। यहाँ पर हमारा जो बनेगा ना, खुद का एक ब्रांड बनेगा। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो इसमें सिर्फ हम अपने लिमिट रहेंगे, अपने शहर तक सीमित रहेंगे, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा, हम पूरे अपने वर्ल्ड में फैलेंगे। हमारी जो मार्केटिंग होगी प्रोडक्ट की, वो कैसी होगी, पूरे वर्ल्ड में होगी। सिंपल से अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मान के चलिए मार्केट है, अगर मार्केट में हम लोग कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो हम अगर अपने शहर में मार्केट में कपड़े खरीद रहे हैं, तो जो वो दुकानदार है, वो दुकानदार कहां तक सीमित है, अपने शहर की दुकान तक ही सीमित है। मगर अगर हम इसको थोड़ी सी इसमें अपडेट करें और उस दुकान को क्या करते हैं, हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मीशो से जोड़ दें, तो क्या होगा, अब ये जो दुकान है वो किससे जुड़ गई, एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ गई। अब वो हमारे शहर में ही नहीं, पूरे जहां जहां पर हमारा जो जो आपका ऐप है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये जहां जहां पर भी रजिस्टर है, जिस जिसने भी इंस्टॉल किया है, चाहे वो हो सकता है आगरा हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, जहां पर भी वो होगा, तो जहां जहां पर वो सप्लाई कर रहा होगा, वो जो आपका दुकानदार है, तो वहां वहां से भी लोग उसकी दुकान से कपड़े खरीद सकते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक तो यहां पर उसको अगर हम शहर की बात करें अपने अपने शहर में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करवानी पड़ेगी। और यहां तो उसने क्या किया, एक बार रजिस्टर किया किस पे, या फिर अपन ने उन्होंने टाई अप किया सीधा सीधा अमेजोन वालों से, फ्लिपकार्ट वालों से, तो इस कंडीशन में क्या हुआ आप लोगों का, कि जो बिजनेस था, अब वो पूरे उसके एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच गया, ना ही उसे वहां पर पंपलेट बटवाने पड़े, ना ही उसको वहां पर बैनर लगवाने पड़े, कुछ भी अलग
अलग से उसको नहीं करना पड़ा है, तो यहां से साफ साफ आपको क्लियर एग्जाम्पल समझ में आएगा कि मोर कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है। हमें अगर किसी दूसरे शहर में भी अपना बिजनेस फैलाना है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप लोगों डिजिटल मार्केटिंग का इस रूल का आप लोगों को फायदा उठाना है कि आप लोगों के ऑनलाइन अपने आप को लेके आना है जिससे हम अपना डिलीवर कर सकें। ओके, बाकी आइडिया आपको मिल गया होगा कि ऑफलाइन मार्केट ऑनलाइन मार्केट में कितना फायदा है। ऑफलाइन मार्केट में आपको पता है कि आप लोगों से सीमित है, आप उसी दुकान वो दुकानदार वहीं पे माल बेच सकता है, जबकि ऑनलाइन में आप देखते हैं हम लोग ऑनलाइन इतना सारा सामान मंगाते हैं जबकि हम उस कंपनी में उस दुकान में जाते भी नहीं है लेकिन वहां का प्रोडक्ट हमारे घर तक आ जाता है। तो ये सब किसका पार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ये सब पॉसिबल है। नेक्स्ट, इट इज फास्ट एंड इफिशियंट फॉर ब्रांड बिल्डिंग। देखो इसका मतलब ये है कि यहां पर आप लोग आपकी पहचान जल्दी बन जाती है, जबकि अगर हम बात करें इसमें इट इज नॉट गुड फॉर ब्रांड बिल्डिंग। इसको क्यों हम गुड नहीं बोल रहा ब्रांड बिल्डिंग के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आप अपने शहर दुकान जो आपकी दुकान होगी जो आपका शहर में कोई आपका मार्केट जो कोई मॉल है वो आपके शहर तक सीमित है, बहुत से बहुत आप लोगों कुछ ही लोग वहां पर जानते होंगे। लेकिन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में आप इंटरनेट पर एक ब्रांड बन रहे, डिजिटल मार्केटिंग के आप इंटरनेट पर पूरा इंटरनेट पे जितने भी लोगों के सामने आपकी एड डिस्प्ले होगी तो पूरे इंटरनेट पे आप लोगों का वहां पर नाम हो रहा है। तो यहां पर क्या है, आप लोगों के पास एक फैसिलिटी है कि एक तरह से आप क्या बन गए, एक पूरे ब्रांड बन जाएंगे। तो इट इज अ फास्ट एंड एफिशिएंट फॉर ब्रांड बिल्डिंग, आपका एक नाम होगा। कोई भी आप लोग कंपनी ले सकते हैं, अमेजोन है, अमेजोन की दुकान पर आजकल कौन गया, कोई नहीं गया, लेकिन आज अमेजोन का भी कितना नाम है, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। तो ये क्या है, सब डिजिटल मार्केटिंग की वजह से इनका ब्रांड बन गया। अब यही चीज अगर हम लोग कोई दुकान अगर अपन अपने शहर में खोल के रख लेते हैं अमेजोन है ना, अमेजोन शॉप, तो कौन इतना ध्यान देता। तो वो चीज यहां पर बता रहे हैं कि यहां पर होता है आपका ब्रांड बिल्डिंग का काम है कि यहां पर डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इट इज मेजरेबल। ठीक है, अभी हम इसको समझे, इट इज डिफिकल्ट टू मेजरेबल। मेजरेबल से मतलब ये है कि अब आपको इसको ऐसे समझना है कि डिजिटल, अगर हम चलिए पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, मान के चलिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमने कोई अपना दुकान स्टार्ट की या फिर कुछ भी हमने अपना शोरूम ओपन किया, हमने उसके बैनर लगवाए, फ्लैक्स लगवाए, पंपलेट बटवाए। अब इसमें हमें ट्रेडिशनल मार्केट में ये लिखा ना इट इज डिफिकल्ट टू मेजरेबल, इसमें हम मेजरेबल का मतलब है कि हमें ये पता नहीं चल पाएगा कितने लोगों ने हमारे उस बैनर को देखा, कितने लोगों ने हमारी उस होल्डिंग को पढ़ा कि हम क्या फैसिलिटी दे रहे, कितने लोगों ने वो पैम्पलेट लिए और कितने लोगों ने लेकर ले तो लिए लेकिन पढ़े भी है कि नहीं पढ़े, फेक तो नहीं दिए। तो ये सब किसके अंदर आता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो इसमें हम डिफिकल्ट टू मेजरेबल, इसमें हम मेजर नहीं कर सकते कुछ भी कि यहां पर हमारा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है कि आखिर वो कस्टमर तक पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा चाहे, या फिर कस्टमर ने उस बैनर को देखा भी है, या फिर जो हमने होल्डिंग लगवाई उसने देखी भी है, उसने में जो हमने लिखा है पढ़ा भी है। तो यहां पर हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग होती है इसमें हम सब कुछ मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि वहां पर जो भी यूजर देखेगा, जो भी यूजर हमारी एड पर क्लिक करेगा, जो भी यूजर हमारी वेबसाइट पर आएगा, तो वहां पर हमारा एक अकाउंट होता है गूगल एनालिटिक्स का, जिसमें हम लोग पता कर सकते हैं कितने यूजर ने देखा, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कहां तक पढ़ा, कितने लोगों को उसमें इंटरेस्ट आया। तो ये सब चीजें हमारा किसमें मेजर कर सकते हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग में रियल टाइम रिजल्ट। रियल टाइम रिजल्ट का मतलब यही है कि हमें उसमें पता रहता है रियल टाइम रिजल्ट में कि कितने लोगों ने कितना क्या क्या किया है ना। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पर आए, कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को देखा, सिंपल सा और सिंपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हम मान के चलिए कोई शॉपिंग कर रहे हैं, किसी से भी शॉपिंग कर रहे हैं, मीशो से शॉपिंग कर रहे हैं, अमेजोन से कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो हम लोग देखेंगे वहां पर अगर हमने एड टू कार्ट किया, बाद में हमने हटा दिया उसको एड टू कार्ट के, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने एड टू कार्ट किया, कौन कौन सा प्रोडक्ट देखा। तो इसको बोलते हैं रियल टाइम रिजल्ट। तो यहां से हमें ये पता चल जाता है कि जो यूजर है कितने लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट पसंद कर रहा है। आपने देखा भी होगा कभी अगर आप लोग ऑनलाइन ऐप से अगर आपने शॉपिंग की भी होगी तो आप लोग अगर किसी प्रोडक्ट को देखते हैं तो फेसबुक पे भी आपकी वही एड प्ले होने लगती है, इंस्टाग्राम पे भी होती है, और थोड़ी देर बाद कुछ नहीं कुछ देर बाद फिर से आपके पास सामने वो नोटिफिकेशन भेजने लगते हैं ऐप से ही। तो वो सब क्या है, रियल टाइम रिजल्ट, यहां से पता चलता है। बाकी अगर हम इसी बात में करें, ये हमने जो होल्डिंग लगवा रखी है, पंपलेट बटवा दी है, तो हमें क्या पता कि उन्होंने होल्डिंग देखी भी है कि नहीं है, कितने लोग, 100 लोग निकल रहा है, 100 में से कितने लोगों ने होल्डिंग देखी, हमने जहां पर बैनर लगवाया हमारी कोचिंग का या हमने वहां पर अपने बिजनेस का जो भी प्रमोशन किया हुआ, तो किसी ने देखा भी है कि नहीं देखा। तो यहां पर मेजर करना इतना आसान नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉट रियल टाइम रिजल्ट। यहां हम नहीं बता सकते, लेकिन यहां हम बता सकते हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ नोटिस किया होगा, आपके सामने जो नोटिफिकेशन आती है आपके सामने सब कुछ डिस्प्ले होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिजिटल मार्केट में व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस। यहां पर हम लोग पता कर सकते हैं कि पीपल जो लोग हैं हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे, क्योंकि हमारे पास ऐसे
टूल्स होते हैं कि अगर जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया कि उन्होंने एड टू कार्ट किया तो फिर उस प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने क्या किया, अगर हमने उनको डिस्काउंट दिया तो उन्होंने परचेस किया कि नहीं किया, तो हमें पता नहीं रहता है और हो सकता है वो हमसे कुछ ना कुछ वहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है डिजिटल मार्केटिंग के, हम लोग उनसे चैट कर सकते हैं, कोई भी उनको हमसे कुछ फीडबैक या कुछ भी उनको हमसे पूछना है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। जबकि यहां पर हम लोग देखें वेरी डिफिकल्ट टू नो व्हाट आर द पीपल थिंक अबाउट इट। अब हमें क्या पता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है उस होल्डिंग को देख के, उस बैनर को देख के, क्या पता उसने देखा होगा पंपलेट पड़ा होगा उसने हटा दिया होगा। जबकि यहां पर क्या होता है कि अगर यूजर इंटरेस्ट दिखाता है तो यहां पर एक हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि यूजर जो है वो हमारी एड पर या हमारी वेबसाइट पर कितनी देर तक रुका, उसने कितना टाइम स्पेंड किया, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि उसका इंटरेस्ट था कि नहीं। क्योंकि अगर वो ज्यादा रुका होगा तो समझ लीजिए इंटरेस्टेड तो है लेकिन वो किसी कारणवश वो कुछ बात में कंफ्यूज है, तो हम उसमें क्या करते हैं कुछ ना कुछ ऑफर्स लगा के उस प्रोडक्ट पे भेज सकते हैं या कुछ नोटिफिकेशन या अपनी तरफ से कुछ भी इस तरह के नोटिफिकेशन भेज सकते हैं ताकि वो और इंटरेस्ट दिखाए। तो यहां हम लोग ये चीज पता कर सकते हैं। ओके, वहीं हम बात करें इसकी जो हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो ये है ऑलवेज ऑनलाइन 24/7। ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है डिजिटल मार्केटिंग की, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है 24 घंटे और सातों दिन आप लोग कर सकते हैं। अगर हम पहले छोटा सा एग्जांपल की बात करें, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो आप लोग देखेंगे हम चाहे रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, हम कभी भी अपनी चीजों को परचेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग से, है ना। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग किसका पार्ट है, ऑनलाइन मार्केटिंग का ही पार्ट है। अब इसमें क्या है, अगर हमें मान के चलिए किसी के सामने एड डिस्प्ले करना, कोई यूजर है रात के 12 बजे वो क्या कर रहा है यहाँ पे फेसबुक चला रहा है या कोई सोशल मीडिया साइट चला रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं वो इंटरेस्टेड है तो हम उसको अपनी एड दिखाना चाह रहे हैं तो हम रात के 12 बजे भी एड दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें पता ही नहीं है रात के 12 बजे क्या हम पंपलेट बेच, क्या हम रात के 12 बजे पंपलेट बांटेंगे, नहीं बांटेंगे। रात के 12 बजे कोई हमें मार्केट में तो मिलेगा नहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, तो हम रात में ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग हम 24/7 कर सकते हैं, पूरे दिन भर में 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे सातों दिन कभी भी कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फर्क है आप देख चुके होंगे। और दूसरी बात क्या है, ये आप लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव ही रहेगा इसमें, आपका आप लोग देख ही रहे हैं ना, हमें इसमें बैनर का खर्च देना है ना पंपलेट का खर्च देना है, सारी मार्केटिंग पूरी एड हम क्या कैसे रन करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा ही हम इसमें सब कुछ रन करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में और इसमें हमारा क्या फर्क है, वो मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैं आप लोगों को छोटी छोटी सी क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पहले आप समझिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आज आप लोग फर्क समझ लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं, जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग है उसके बेनिफिट्स देखेंगे, जैसे बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इसके क्या क्या बेनिफिट्स है ये हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग अपने इनको और अच्छे से अपने आप को समझ जाएंगे आप लोग क्या होती है डिजिटल और ट्रेडिशनल मार्केट में फर्क, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट तो आप देखते आए लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ हम अपने रियल टाइम डेटा यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे अपने आगे। और अगर आपने अभी हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो फिर हम आपको एक बार बता देते हैं, अभी हमारी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल में आप लोगों को यहां पर कवर करा रहा हूं, तो फुल बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग यहां पर करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो सिंपल सा आपको चैनल पर क्लिक कर देना है, चैनल पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, सपोज मैं पहले चैनल को ओपन कर लेता हूँ, जैसे आप ऑलरेडी क्या कर रहे हैं वॉच कर रहे हैं वीडियो, तो मैं यहाँ पे चैनल को ओपन कर लेता हूँ पहले। और हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, उस पर आप विजिट करिए, उस पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह उस पर अपलोड हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, और हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही कर देंगे, हम बता देंगे आपको तरीका कैसे आपको करना है। ये आप ओ लेवल गुरुजी चैनल पर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो नई कोर्स स्टार्ट हुआ आपको प्लेलिस्ट पर आ जाना, बाकी कंप्यूटर कोर्सेज करने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर और भी क्लासेस हैं ओ लेवल्स कोर्स के, क्योंकि एक कंप्यूटर कोर्स है आप लोग उसको ज्वाइन करिए बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो वीडियो अपलोड है हमारी, डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स बिगनर्स टू एडवांस लेवल, ये आप लोगों के लिए हमने नई सीरीज बनाई हुई, नई प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए तैयार की हुई है, तो वो आप लोग यहां से देख सकते हैं। तो दो हमने कंप्लीट कर दिए आप लोगों के लिए, आप लोग यहां पर जरूर देख लीजिए, अभी सिर्फ दो ही वीडियो दो ही क्लास अपलोड हुई है। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए आज आप लोग इसको कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे पूरा बेनिफिट्स, यहां आप डिटेल में जान सकते हैं, यहां मैंने फुल डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, साथ ही साथ हमारा ग्रुप है इस तरह से आप देखिए, जैसे ये वाला वीडियो है आप देखेंगे हमने यहां पर लिंक दे रखी है आप लोगों के लिए, तो ये वेबसाइट की लिंक है हमारी, और ज्वाइन अवर डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप, ये हमारा जो ग्रुप है
व्हाट्सएप ग्रुप, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप लोगों को कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी तो क्या है, अभी तो हमारा 1% भी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, क्लास कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो वीडियो को लाइक नहीं किया था तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ओके, तो अभी हम लोग देर ना करते हुए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।